दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन, निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका कि बहुत ज़्यादा उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है और वास्तव में वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथी में खास तौर से बहुत सारी बीमारियों में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन के रूप में वो काम करती है, चाहे वो मेंटल परेशानियां हो, चाहे वो फिजिकल परेशानियां हो। हालांकि बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियन उसका जो उपयोग है वो केवल एक सेक्सुअल सिम्टम्स के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के रूप में करते हैं और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्टेफाइसैग्रिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल डायग्नोसिस है, वो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं कि आखिर वो बीमारी उसमें उसके अंदर डेवलप होती क्यों है, वो आप लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि आखिर ये सिम्टम्स उस पेशेंट में आते क्यों हैं। तो ये जो मेडिसिन है, आज इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टेफाइसैग्रिया को किन किन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, ना केवल इसके सेक्सुअल सिम्टम्स के बारे में बल्कि और ऑर्गन्स पर इसके जो इफेक्ट होते हैं उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके माइंड की बात करते हैं, आखिर कि ये जो व्यक्ति होता है स्टेफाइसैग्रिया का, जो पेशेंट होता है वो किस तरह का होता है। दोस्तों, ये जो व्यक्ति होता है ये बड़ा ही क्यूट व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं, बड़े अच्छे नेचर का व्यक्ति होता है, लेकिन इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये जो पेशेंट होता है जरा जरा सी बात में गुस्सा कर लेता है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसको गुस्सा आता तो है लेकिन उस गुस्से को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि उस गुस्से की जो भड़ास है वो अपने मन से उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, सामने वाले को कुछ कह नहीं पाता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपने ऑफिस जाता है, बड़ी हायर पोस्ट पे है, बहुत अच्छा ऑफिसर क्लास है उसकी, और ऑफिस में पहुंचा, वहां पर एक प्यून है, किसी बात को लेके उसने प्यून को कुछ काम करने को कहा और प्यून ने उसको उल्टा आंसर दे दिया। अब वहां पर चूंकि उसकी उसको अपनी इमेज का ख्याल है कि वो प्यून से कैसे बात कर सकता है, वो एक प्यून से कैसे लड़ाई कर सकता है, उसके अंदर ये है कि उसकी जो समाज में जो उसकी इमेज बनी हुई है वो बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। अगर वो प्यून से लड़ाई लड़ लेगा तो फिर उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, उसकी इमेज खराब हो जाएगी कि एक प्यून से उसकी लड़ाई हो गई। तो अब वो वहां पर गुस्सा तो आ गया उसको, लेकिन उसने उस गुस्से को पी लिया। वो जो उसने गुस्सा पी लिया ना, यहीं से उसकी परेशानियों की शुरुआत हो गई, क्योंकि स्टेफाइसैग्रिया का पेशेंट कभी भी अपने गुस्से को बाहर निकाल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसा देखा होगा, उनको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लड़ाई तो उनकी हो जाएगी लेकिन लड़ने के बाद वो वहां पे अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे और फिर घर आके सोचेंगे यार मैं उस समय उसको ऐसा बोल सकता था, मैं उसको वैसा बोल सकता था, लेकिन इतने सारे लोग वहां खड़े थे, मैं कैसे उससे लड़ाई कर लेता। तो ये जो अपने अंदर ही अंदर जो उनका गुस्सा उनको कचोटता रहता है, हिंदी में जिसे कचोटना बोलते हैं, तो वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और यहीं से उसकी सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों को उनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, मेरी बात को आप इस समय अब ध्यान से सुनिए क्योंकि इस समय ये कंडीशंस हैं, तो जिन बच्चों को माँ बाप उनके बहुत ज़्यादा डांटते हैं, हर चीज़ में उनको नीचा दिखाते हैं, नीचा दिखाने का मतलब है कि वो उनको सामने वाले से कंपेयर करते हैं या फिर ये किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको हर बार ये बोलते हैं कि रहने दो, तुमसे कुछ काम नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो ये बात उनके दिमाग में घर कर जाती है। अब वो वहां पे गुस्सा शो करना चाहते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि अब पेरेंट्स को क्या बोलें,
कुछ वो बोल नहीं सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं यहीं से उनकी बीमारी की शुरुआत उनके अंदर हो जाती है। यदि हम इसके हेड की बात करते हैं यानी कि सिर के सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा हेडेक की शिकायत होती है और योनिंग के साथ हेडेक होता है यानी कि जमाइयां कंटिन्यू आती रहेंगी उसको और सिर दर्द भी बहुत ज्यादा होता रहेगा, बहुत ही ज्यादा पेन होता है, खासतौर से सेक्सुअल एक्सेस के बाद तो बहुत ज्यादा पेन की, हेडेक की, सिर में दर्द की इनको शिकायत रहती है। यदि हम आंखों की बात करते हैं तो आंखें कमजोर पड़ जाती हैं सेक्सुअल एक्सेस के कारण, यानी कि जिन लोगों में सेक्सुअल इंडल्जेंस बहुत ज्यादा होता है, जो लोग बहुत ही ज्यादा कामुक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी आंखें कमजोर पड़ने लगती हैं और आंखों में जो है धुंधलापन उनको आने लगता है, दूर छोटी सी दूर थोड़ी सी दूर का भी उनको दिखाई नहीं देता है, धीमी रोशनी या जो कम रोशनी होती है उसमें उनको दिखाई देना कम हो जाता है, रतौंधी जिसे कहा जाता है, आंखों के नीचे उनको नीले कलर के निशान पड़ जाते हैं, हल्के काले नीले कलर के पूरे में यहाँ निशान पड़ जाएंगे। इसके साथ ही इनको बार बार स्टाई यानी कि जिसे गोयरी हिंदी में यहाँ मध्य प्रदेश तरफ गोयरी बोला जाता है, तो स्टाई उसका मेडिकल वर्ड है, स्टाई की शिकायत होती है, यहाँ आंख की पलक के ऊपर एक छोटी छोटी फुंसी टाइप की जिन लोगों को बार बार होती रहती है उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके यदि हम एब्डोमिन की बात करते हैं तो उसको पेट में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, गैस उसे बहुत ज्यादा बनती है। इसके साथ ही जिन लोगों को एंगर सप्रेस कर लेने के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि वो जो ऑफिसर क्लास का व्यक्ति था, अब यदि उसने वहां पर गुस्सा अपना पी लिया और घर आया और घर आके उसको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, तब उस कंडीशन में स्टेफाइसेग्रिया उसको सबसे ज्यादा सूट करेगी। इसके साथ ही उनको पेल्विस जो रीजन होता है, जिसे पेल्विक एब्डोमेन जहाँ कहते हैं, पेल्विस का जो हिस्सा होता है जहाँ, जिसे पेल्विक गर्डल भी कहा जाता है, वहां पर इनको टेनेसमस की शिकायत होती है, दर्द की शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में स्टेफाइसेग्रिया मदर टिंचर भी कई बार यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मेल सेक्सुअल सिम्टम्स की, तो ये जो पेशेंट होता है कंटिन्यूअसली सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचता रहता है। इसकी सोच क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे बच्चे जिनको घर पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनको घर में ये समझा दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वो बाहर जाके एटमोसफियर में जो सोशल लाइफ है उसमें अपने दोस्त बनाते हैं, वो दोस्त वहां पर उनको पॉर्न वगैरह में धकेल देते हैं, वहां पर उनको एक सपोर्ट मिलता है अपने दोस्तों का, तो उनकी जो हैबिट्स होती हैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल जो इंडल्जेंस होता है, तो ये जो जितने भी गुण हैं अवगुण हैं वो सब उनके अंदर आ जाते हैं। यही कारण है कि वो कंटिन्यूअसली 15-16 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से सेक्सुअल इंडल्जेंस करने लगता है, मैस्टरबेशन करने लगता है, हस्तमैथुन करने लगता है और फिर उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आंखों में मैंने अभी बताया था 16-17 साल का जो बच्चा होता है उसकी आंखों के नीचे काली नीली धारियां पड़ने लगती हैं, ब्लू रिंग्स जिन्हें कहा जाता है होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी में, मटेरिया मेडिका में इसके लिए शब्द है ब्लू रिंग्स, इस तरह की नीली काली धारियां पड़ने लगती हैं, हस्तमैथुन बहुत ज्यादा करने लगता है, नाइट फॉल की कंटिन्यूअस शिकायत होती रहती है यानी कि स्वप्न दोष जिसे हिंदी में कहते हैं उसकी इसको शिकायत हो जाती है। बच्चा 16-17 साल की उम्र में ही 30-35 वर्ष के पुरुष के जैसा हो जाता है, उसकी जो सेक्सुअल उत्तेजना होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसके साथ ही कंटिन्यूअस ड्रीमी स्टेज हो जाती है। ड्रीमी स्टेज का मतलब होता है या ड्रीमी स्टेट का मतलब होता है कि वो हवा महल बनाता रहता है, मैं ये करूंगा इसके बाद मैं वो कर लूंगा, इसके बाद मैं वो कर लूंगा, शेख चिल्ली जिसे कहा जाता है ना, तो उसकी वो स्टेट जो है मेंटल स्टेट उसकी वो हो जाती है। इसके साथ ही कंसंट्रेशन की पावर उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि कहीं भी उसकी एकाग्रता नहीं रहती है, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है, कंटिन्यूअसली सेक्स से रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं, इंटीमेसी से रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं, लड़कियों से जैसे ही बात करता है तो तुरंत उसका डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह के ये सिम्टम्स स्टेफाइसेग्रिया में देखे जाते हैं। इसके बाद यदि हम फीमेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो फीमेल्स के सिम्टम्स भी लगभग इसी तरह के होते हैं जैसे मेल जेनिटेलिया के होते हैं। फीमेल्स में यूरिथ्रल बर्निंग के लिए एक बहुत खास मेडिसिन मानी जाती है स्टेफाइसेग्रिया। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, खास तौर से जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है, और इस बीमारी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं कि उन्होंने पहली दूसरी बार इंटरकोर्स किया है, दूसरी तीसरी बार इंटरकोर्स किया है और उसके बाद उनको कंटिन्यूअसली बर्निंग होना शुरू हो गई है, बाथरूम के रास्ते में, यूरिन के रास्ते में, यूरिथ्रा में,
तो उन महिलाओं को जहां पे जलन पड़ रही है, महिलाओं को यूरिन के रास्ते में, वहां पर बहुत अच्छी मेडिसिन है हनीमून सिस्टाइटिस की, स्टेफाइसैग्रिया। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से और सिम्टम्स के इंटेंसिटी के हिसाब से फिर स्टेफाइसैग्रिया का डोज डिसाइड कर लिया जाता है, 30 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इसकी एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं, यानी कि हाथ पैरों की बात करते हैं, तो अब चूंकि 15-16 वर्ष की उम्र से उसने वो सब मैस्टरबेशन वगैरह करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे जो उसके अंदर सेक्सुअल वीकनेस है वो उसकी फिजिकल वीकनेस में तब्दील होती चली जाती है। हाथ पैरों में, जोड़ों में बड़ा दर्द रहता है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन तो बिल्कुल खत्म हो ही चुका है, तो हाथ पैर उसके दर्द करते रहेंगे, सोता रहेगा, जमाइयां लेता रहेगा, सिर में दर्द होता रहेगा, इस तरह के सिम्टम्स उसको कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। स्किन की यदि हम बात करते हैं तो रात में बहुत ज्यादा इसको पसीना आने लगेगा, थिक स्कैब्स पड़ जाएंगे मोटे मोटे, और इसके साथ ही फिग वॉर्ट्स होने की उसको शिकायत हो जाती है, बड़े बड़े वॉर्ट्स उसको हो जाते हैं, मस्से जिन्हें बोला जाता है, बड़े बड़े मस्से, पेडंकुलेटेड मस्से जिन्हें बोला जाता है, वो इसको हो जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टेफाइसैग्रिया होती है, ये केवल सेक्सुअल सिम्टम्स के लिए यूज नहीं की जाती है, उन लोगों में जिन लोगों में गुस्से को पी लेने के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, डिप्रेशन उत्पन्न हो गया, उसके लिए स्टेफाइसैग्रिया को यूज किया जा सकता है। स्ट्रेस उनको बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हो सकता है। पेट दर्द उनको हो रहा है गुस्से को पी लेने के कारण, तब स्टेफाइसैग्रिया का यूज किया जा सकता है। यदि उनको आंखों में बार बार स्टाई होने की शिकायत हो रही है, उसमें हम यूज कर सकते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, यानी कि यूरिथ्रा में होने वाली जलन महिलाओं में, उनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। पुरुषों में भी यदि इसको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। बाथरूम करने में, यूरिन करने में यदि उनको जलन पड़ रही है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो अकेले इसका मेल सेक्सुअल सिस्टम पर ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।